हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं आर्क फेनोमेना ऑफ सर्किट ब्रेकर के बारे में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आखिर ये आर्क फेनोमेना क्या है, आखिर ये ऑकर क्यों होता है, इसका इफेक्ट क्या है और आर्क चैम्बर क्या है, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करें। ये जो आर्क है ये बेसिकली हमें जो है सर्किट ब्रेकर्स में जो है देखने को मिलता है। तो ये सर्किट ब्रेकर क्या है और ये कैसे काम करती है, एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे और दे दूंगा, आप उधर से उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं ये आर्क क्या है। तो गाइस कभी ना कभी आप जो है घरों में अचानक से जब अपने स्विच को ऑन करते हो तो एक जो है चिंगारी थोड़ा सा जो है बाहर निकलते हुए आप जो है देखे होंगे, जिसे आर्क कहा जाता है। घरों में जो हम लोग स्विच यूज करते हैं वो स्विच भी जो है एक तरह का सर्किट ब्रेकर है और जहाँ जहाँ सर्किट ब्रेकर का यूज होता है उस जगह में जो है हमें आर्क फेनोमेना देखने को मिलता है। अब गाइस ये सर्किट ब्रेकर एक स्विच हो सकता है, MCB हो सकता है, MCC, RLCB, ACB, VCB, SF6, मतलब जितना सर्किट ब्रेकर है इन सभी में आपको जो है ये आर्क फेनोमेना जो है देखने को मिलता है। गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आखिर ये आर्क फेनोमेना क्या है और ये जो है किस जगह में हमें देखने को मिलता है। अब गाइस हम लोग बात करते हैं कि ये जो आर्क है, ये आर्क जो ऑकर होने का क्या रीज़न है। तो गाइस जो भी सर्किट ब्रेकर्स आप यूज़ कर रहे हो, आप वो MCB भी हो सकता है और वो VCB भी हो सकता है। तो ये जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं इसमें हमें जो है देखने को मिलते हैं दो कॉन्टेक्ट्स, जो कि होता है एक मूविंग कॉन्टेक्ट और दूसरा होता है फिक्स्ड कॉन्टेक्ट। तो ये जो मूविंग कॉन्टेक्ट है मेक और ब्रेक करती है। ये आर्क ऑकर होने का रीज़न बहुत सिंपल सा है। जो सर्किट ब्रेकर में जो मूविंग कॉन्टेक्ट है वो जो फिक्स्ड कॉन्टेक्ट से अलग होने की कोशिश करता है तो उस टाइम उसके चारों तरफ का जो एयर है उसमें वो जो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है और उसके चारों तरफ जो एयर है वो उस टाइम आयोनाइज्ड हो जाता है, जिसके वजह से उस जगह में जो है हमें आर्क जो है देखने को मिलता है। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया कि ये जो आर्क है ये आखिर ऑकर किस लिए होता है। अब गाइस बात करते हैं ये आर्क जो है ऑकर हुआ है इसे हम लोग जो है किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। इस आर्क को मिनिमाइज करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग आर्क चैम्बर का। और जो भी सर्किट ब्रेकर हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ MCB, MCCB यानी कि लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के बारे में। लो वोल्टेज के जितने भी सर्किट ब्रेकर हैं, MCB बोलिए या फिर MCCB, ये दोनों में जो है आपको आर्क चैम्बर जो है देखने को मिलेगा। और ये आर्क चैम्बर का रोल बस इतना है कि जो भी आर्क हमारा प्रोड्यूस हो रहा है उस आर्क को जो है ये सेपरेट कर दे और जितना जल्दी हो सके ये आर्क को वो ख़त्म कर दे। ये जो आर्क चैम्बर्स होते हैं, ये आर्क चैम्बर्स में आपको जो है पतले पतले स्ट्रिप्स देखने को मिलेंगे जिससे जो है ये आर्क जो है उसके चारों तरफ स्प्रेड हो जाता है और ये आर्क जो है बहुत जल्दी मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन अब जो है मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स जो होते हैं उसमें जो है आर्क जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए हम लोग जो यूज़ करते हैं एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, ये जो नाम दिया गया है ना वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर या फिर SF6 यानी कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, तो ये सब जो है ना एक मीडियम है, यानी कि हम लोगों का जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो आर्क को ख़त्म करने का एक मीडियम है। एयर सर्किट ब्रेकर में हम लोग जो है एयर के द्वारा जो है इस आर्क को जो है डिक्रीज करते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में जो है वैक्यूम के द्वारा, SF6 सर्किट ब्रेकर में हम लोग जो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड के द्वारा जो है हम लोग आर्क को जो है जितना हो सके मिनिमाइज करते हैं और हमारा जो सर्किट ब्रेकर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो जैसे एक लॉन्ग टर्म तक चले, जिसके लिए हम लोग जो है ये आर्क चैम्बर्स का यूज़ करते हैं। जितना हो सका मैं शॉर्ट टर्म में जो है आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आने वाले जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट है वो आपके तक बहुत आसानी से पहुँच सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।